नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों हमारे Facebook पेज पर, तो आपका स्वागत है हमारे Facebook पेज पर, जिसका नाम है सप्लीमेंट्स विला। और यहां पर हम आपको बताते हैं सप्लीमेंट से रिलेटेड हर एक बात, हर एक पॉइंट, हर एक नॉलेज जो आपको सप्लीमेंट खरीदने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और सप्लीमेंट खरीदते टाइम दोस्तों आपके काफी काम आने वाली है। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए सप्लीमेंट के साथ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। वो है दोस्तों केविन लेब्रोन शाबूम पंप। दोस्तों ये एक प्री वर्कआउट है। दोस्तों केविन लेब्रोन अभी हमारे इंडिया में नई कंपनी है, ज्यादातर लोग इसका नाम शायद नहीं जानते या धीरे धीरे अब जानने लगे हैं। बट दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट है ये प्री वर्कआउट शाबूम पंप काफी अच्छा प्री वर्कआउट है। और इसमें आपको ब्लेंड मिक्सचर मिलेगा आरजेनाइन का, एल सिट्रोलाइन का, बीटा अलाइन का, क्रिएटिन का और दोस्तों कैफीन का। दोस्तों ये सारे इसमें आपको ब्लेंड मिलने वाला है जो कि आपके वर्कआउट को एक बूस्ट देंगे, आपको एनर्जी देंगे वर्कआउट करने के लिए। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों प्री वर्कआउट किसे यूज करना चाहिए? दोस्तों प्री वर्कआउट कोई भी यूज कर सकता है जिसको अपने एक्सरसाइज में एक बूस्ट देनी है, एक पुश देना है एक्सरसाइज करने के लिए। दोस्तों प्री वर्कआउट का काम क्या होता है? दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दिन थका हुआ फील कर रहे हैं, किसी दिन आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आप में आप लैक ऑफ एनर्जी फील कर रहे हैं, तो आप अगर प्री वर्कआउट लेंगे तो आपको एक बूस्ट मिलेगा, एक पंप मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये काम होता है प्री वर्कआउट का और इसे कोई भी यूज कर सकता है। प्री वर्कआउट कितने टाइम तक यूज करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग प्री वर्कआउट आपको 2 से 3 महीने यूज करना चाहिए, उसके बाद प्री वर्कआउट में आपको गैप जरूर देना चाहिए। प्री वर्कआउट कोई भी यूज कर सकता है जिसे अपने वर्कआउट में पंप देना है, एक पुश देना है एक्सरसाइज के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केविन लेब्रोन शाबूम पंप के बारे में। दोस्तों प्री वर्कआउट को लेकर मेरे पास काफी क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, स्लीपिंग डिसऑर्डर तो नहीं हो जाएगा? दोस्तों आप इस चीज को समझिए कि प्री वर्कआउट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसमें जो कैफीन कॉन्टेंट होता है दोस्तों वो काफी ज्यादा होता है, लाइक 200 mg 300 mg, अलग अलग प्री वर्कआउट में अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं शाबूम पंप की बात करता हूं तो इसमें जो कैफीन कॉन्टेंट है वो है 200 mg। तो दोस्तों आप अगर 200 mg कैफीन लेंगे और उसके बाद में अगर वर्कआउट आप ढंग से नहीं करेंगे, अगर आपने प्री वर्कआउट लिया और वर्कआउट आपने किया आधे पौने घंटे या फिर थोड़ा वर्कआउट किया, तो दोस्तों तो आपको रात को सोने में तो प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि कैफीन का जो काम है वो है हमको अवेयर रखना, हमको जगा के रखना। तो दोस्तों अगर मैं मोटी मोटी भाषा में कहूं, अगर आप अच्छे से वर्कआउट करते हैं, 1.5 से 2 घंटे वर्कआउट करते हैं प्री वर्कआउट लेके, तो आपको इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। बट हां दोस्तों अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, तो आप प्री वर्कआउट को अवॉइड करें। तो अब हम बात कर लेते हैं केविन लेब्रोन शाबूम पंप के बारे में। सो कंपनी ने जो हमको सप्लीमेंट फैक्ट्स बताए हैं, जो कंपनी ने हमको लिख कर दिया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। अगर हम यहां पर सप्लीमेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी एक स्कूप है आपकी 8.75 ग्राम की, जिसमें आपको बीटा अलाइन मिलने वाला है 2500 mg, एल आरजेनाइन मिलने वाला है दोस्तों 1000 mg, और दोस्तों इसमें आपको कैफीन मिलने वाला है 200 mg। दोस्तों इसमें परफेक्ट ब्लेंड दिया हुआ है बीटा अलाइन, एल आरजेनाइन और कैफीन का, और ये तीनों को जो काम है दोस्तों वो है आपके वर्कआउट को पुश देना, एक पंप देना। कैफीन दोस्तों आपको एक पुश देगी। काफी बार आपने सुना होगा कि प्री वर्कआउट लेने से इचिंग हो रही है, चींटियां खा रही हैं, इस टाइप की जो आपको सेंसेशन होती है दोस्तों वो कैफीन की वजह से होती है। और दोस्तों इसमें आपको बीटा अलाइन और एल आरजेनाइन जो काम करेंगे वो आपका काम करेंगे वास्कुलैरिटी का और पंपिंग का, आपको एक पंप देंगे और वास्कुलैरिटी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों काफी अच्छा ये ब्लेंड है। अगर आप शाबूम पंप लेते हैं तो आपको अलग से एल आरजेनाइन या फिर आपको बीटा अलाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी खास बात है। दोस्तों ये तो हो गए इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स की बात, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है वहां से भी एक बार आप नोटिस कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी की अगर रिकमेंडेड यूज के बारे में बात करें तो कंपनी ने यहां पर बताया है कि आप इसकी 1 से 2 स्कूप ले सकते हैं वर्कआउट से 20 से 25 मिनट पहले। दोस्तों आपको वर्कआउट से 20 से 25 मिनट पहले इसे लेना है और उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करना है। दोस्तों अगर आप इसकी 1 स्कूप लेते हैं तो वो होगी 8.75 ग्राम की, जो आपको लेनी है 150 से 200 ml पानी में। और अगर आप इसकी 2 स्कूप लेते हैं तो आपको ये लेना है 300 से 400 ml पानी में, और इसकी 2 स्कूप हो जाएंगी दोस्तों 17.5 ग्राम की, जो आपको 300 से 400 ml पानी में लेनी है। और दोस्तों अगर आप इसकी 2 स्कूप लेते हैं तो आपको इसमें आपको 6000 mg मिलेगा सिट्रोलाइन, आपको 5000 mg मिलेगा बीटा लाइन, 2000 mg मिलेगा आरजेनाइन, 3000 mg मिलेगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और 400 mg मिलेगा कैफीन अगर 2 स्कूप लेते हैं। और अगर 1 स्कूप लेते हैं तो आपको इसमें 3000 mg सिट्रोलाइन, 2500 mg बीटा लाइन, 1000 mg आरजेनाइन, 1500 mg
क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और 200 एमजी कैफीन मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी क्वांटिटी है आपको एक एक्सरसाइज के लिए पुश देने के लिए। तो ये बेस्ट प्री वर्कआउट है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको बीटा लाइन, आरजेनाइन, क्रिएटिन और कैफीन चारों चीजें मिल रही हैं। और दोस्तों अगर हम यहां पर वार्निंग्स की बात करते हैं, तो कंपनी ने साफ साफ इस पर लिख कर दिया है कि आपको ये रिकमेंडेड डोज से ज्यादा नहीं लेना है। और इसमें बताया गया है कंपनी के द्वारा कि आपको पर डे 400 एमजी कैफीन से ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें बताया गया है कि एक डाइटरी सप्लीमेंट और एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह ही यूज होना चाहिए। और अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आपको एक वेल बैलेंस डाइट और एक अच्छे वर्कआउट शेड्यूल की जरूरत पड़ेगी इसके साथ साथ। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्री वर्कआउट ले लूंगा और उसी से मेरी बॉडी बन जाएगी या फिर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो दोस्तों ये आपका वहम है। आपको एक वेल बैलेंस डाइट और एक अच्छा वर्कआउट शेड्यूल चाहिए अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए। तो दोस्तों कंपनी ने यहां पर साफ साफ बताया, ये वार्निंग हमको जरूर पढ़नी चाहिए किसी भी सप्लीमेंट को खरीदने से पहले। दोस्तों इसका टोटल जो वेट है वो है 385 ग्राम और ये फ्लेवर है फ्रूट पंच फ्लेवर शाबून पम केविन लेब्रॉन। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके यूज के बारे में बात, इसके सप्लीमेंट फैक्ट्स के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फेक और ओरिजिनल के बारे में, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं और हमारे चैनल का गोल भी आपको फेक सप्लीमेंट से बचाने का है। तो दोस्तों आप इन बातों को जरा ध्यान से सुने और इनको हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों अगर मैं यहां पर फेक और ओरिजिनल की बात करता हूं, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये केविन लेब्रॉन जो कंपनी है वो बाहर की कंपनी है, वहां से किसी ना किसी इंपोर्टर ने ये इंडिया में इंपोर्ट की होगी, तो उसकी स्टैंप इसके ऊपर जरूर होनी चाहिए। जैसे ये देखिए इसकी स्टैंप इसके ऊपर जरूर है, स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, आप वहां से भी एक बार नोटिस कर सकते हैं इसे और आप इसे जरूर देखें। जैसे इसके इंपोर्टर हैं एलियो वर्ल्ड जिम, इसके इंपोर्टर हैं जिनका FSSAI लाइसेंस नंबर, इसका कस्टमर केयर नंबर, उनका ऑफिस एड्रेस, इसमें सारी चीजें दी गई हैं। ये इंपोर्टर की स्टैंप दोस्तों स्क्रीन के ऊपर भी आ रही है, वहां से भी आप एक बार नोटिस कर सकते हैं कि कैसे इसकी इंपोर्टर की स्टैंप है। दोस्तों पहली चीज तो ये, दूसरी चीज जो दोस्तों आपको नोटिस करनी है दोस्तों वो है शॉप का पक्का बिल। जैसे मैंने ये सप्लीमेंट विला से परचेस किया है, जिसका पक्का बिल मुझे मिला है, जिसके ऊपर उसकी स्टैंप, सिग्नेचर, GST नंबर, एड्रेस, सारी चीजें दी गई हैं। दोस्तों ये पक्का बिल आप जरूर परचेस करें। सप्लीमेंट विला पर दोस्तों आपको 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट मिलने वाले हैं, इसलिए आप सप्लीमेंट विला का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, उसे आप नोटिस कर लें और आप वहां पर कॉल करके, मैसेज करके कोई भी सप्लीमेंट मंगा सकते हैं। सप्लीमेंट विला वाले आपके घर तक उसे कोरियर कराकर देंगे। दोस्तों आपको 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट मिलेंगे वहां से। तो आप जब भी कोई सप्लीमेंट खरीदें, चाहे वो इंडियन है चाहे वो इंपोर्टेड है, आप उसका पक्का बिल जरूर लें। दोस्तों ये दो चीजें तो आपको नोटिस करनी करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बॉक्स की क्वालिटी, वो अच्छे से सील पैक है या नहीं है, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें आप जरूर देखें किसी भी सप्लीमेंट को खरीदने से पहले दोस्तों। तो दोस्तों शाबून पंप को खरीदने से पहले भी आपको ये सारी चीजें नोटिस करनी है। इसके अलावा दोस्तों आप शाबून पंप सप्लीमेंट विला से मंगा सकते हैं, आपको 100% ओरिजिनल वहां से मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी फेक और ओरिजिनल के बारे में बातें। अब हम कर लेते हैं इसकी ओपनिंग, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा ये पाउडर इसके अंदर निकलेगा, कैसी इसकी सील पैक है, कैसे ये ओपन करना है और क्या इसकी मिक्सिबिलिटी है और कैसा इसका टेस्ट है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी ओपनिंग करके दिखा देता हूं। यहां से देखिए दोस्तों, जैसे इस अच्छे से सील पैक है, ये सील पैक होना चाहिए। आप इसे सप्लीमेंट विला से मंगा सकते हैं, वहां पर आपको 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं यहां से इसे ओपन कर लेता हूं, ये यहां से अच्छे से सील पैक है जो कि हमें ओपन करना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहां से ओपन कर लिया है, ये अच्छे से सील पैक होना चाहिए। सप्लीमेंट विला से मैंने ये परचेस किया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक इनर सील भी है जो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यही है इसको जो मॉइस्चर से बचाती है। और दोस्तों अगर ये सील इसके अंदर नहीं हुई तो उस सप्लीमेंट के फेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये सील जरूर होनी चाहिए। अब मैं इस सील को हटा लेता हूं और देख लेता हूं कि इसके अंदर किस तरीके का पाउडर निकलने वाला है। तो देखिए व्हाइट कलर का ये पाउडर है, इसके अंदर फ्रूट पंच फ्लेवर है और दोस्तों इसकी स्कूप भी थोड़ी अंदर है। काफी बार स्कूप बाहर मिल जाती है और काफी बार अंदर मिलती है। दोस्तों हमको इसकी स्कूप ढूंढनी है, कहां है इसकी स्कूप। दोस्तों काफी अंदर इसकी स्कूप निकली है, मेरे हाथ भी सारे हो गए हैं इसी में ही प्री वर्कआउट में, कहीं उंगलियों को एनर्जी ना आ जाए मेरी को। दोस्तों
ये रही इसकी स्कूप जो कि है 8.75 ग्राम की। दोस्तों अब मैं इसकी एक स्कूप इसमें मिक्स करके और उसे टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि मुझे इसका फ्लेवर कैसा लगा, मैं इसको कितनी मार्किंग करूंगा। दोस्तों तो अब हम इसकी मिक्सिबिलिटी देख लेते हैं। 150 से 200 ml पानी लूंगा मैं एक स्कूप उसमें मिक्स करूंगा। दोस्तों ये मैंने इसको दोस्तों मैं आपको ग्लास में मिक्स करके दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है। ये 150 से 200 ml में ऑलमोस्ट पानी ले लिया है और मैं इसकी एक स्कूप जो कि 8.75 ग्राम की है जिसमें मुझको एल सिट्रुलाइन, आरजे9, कैफीन ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। दोस्तों दोस्तों ये इसकी एक स्कूप है 8.75 ग्राम की। मैं इसको इसमें मिक्स कर लेता हूं 150 से 200 ml पानी में। आपको दिखाने के लिए मैं इसको ग्लास में मिक्स कर रहा हूं। फ्रूट पंच ये फ्लेवर है दोस्तों। दोस्तों मैंने ये सप्लीमेंट विला से परचेस किया है जहां पर आपको 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट मिलेंगे। आप वहां पर व्हाट्सएप करके कॉल करके कोई भी सप्लीमेंट मंगा सकते हैं, आपके घर तक सप्लीमेंट विला वाले उसे कोरियर कराकर देंगे। दोस्तों सप्लीमेंट विला का कॉन्टेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए जैसा थोड़ा सा मिक्स करने पे कितना इजीली मिक्स हो गया है। अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं और आपको बता देता हूं कि मुझे इसका टेस्ट कैसा लगा। दोस्तों मुझे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। फ्रूट पंच फ्लेवर है, काफी अच्छा इसका टेस्ट है, मतलब पीने में मुझे इसे मजा आया। आपसे कह सकता हूं कि आप भी फ्रूट पंच फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं और मैं इसकी मार्किंग करूंगा 95 out of 100। तो दोस्तों ये तो हो गए इसकी टेस्ट और मिक्सिबिलिटी के बारे में बातें। अब मैं इसको कर देता हूं वापस पैक। और दोस्तों सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं, वो है इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों जो LEO वर्ल्ड जिम जो इसके इंपोर्टर हैं दोस्तों, उन्होंने इसका MRP रखा हुआ है 3200 रुपए। जो इसका इंपोर्टर है दोस्तों उनका MRP है 3200 रुपए। और दोस्तों मुझको ये सप्लीमेंट विला से आफ्टर डिस्काउंट पड़ा है दोस्तों 2750 रुपए का। मुझे काफी अच्छा डिस्काउंट सप्लीमेंट विला से मिला है। दोस्तों सप्लीमेंट विला का कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, यहां से भी आप नोटिस कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप मंगा सकते हैं सप्लीमेंट विला पर, आपको 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट ही मिलेंगे दोस्तों। और सप्लीमेंट विला वाले आपके घर तक उसे कोरियर कराकर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की केविन लेब्रॉन शाबून पंप के बारे में। आपको पता लगी गया होगा कि कितना अच्छा ये प्रोडक्ट है, क्या इसकी क्वालिटीज हैं और क्या आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके की वीडियो देखते रहने के लिए। और दोस्तों आप भी हमको कमेंट या मैसेज करके किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बता सकते हैं अगली वीडियो किस प्रोडक्ट के ऊपर देखना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स और मैसेज को ध्यान में रखकर ही अगली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्ते। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं।